आज मैं बनाने जा रहा हूँ लंच में वेजी उपमा। तो आइए, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे रवा यानी सूजी, और हम लेंगे खूब सारी वेजेस। तो ये है खूब सारी वेजेस, जिसके अंदर मैंने दी है प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, यह है सेंधदाना, यह है ब्रोकली, और ये है स्वीट कॉर्न्स। और मैंने साथ में चॉप करके रखे हैं जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम सूजी को भून लेते हैं लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए। ये ले ली है मैंने कढ़ाई, आप चाहें तो देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं 1 स्पून। तो मैं देसी घी नहीं डाल रहा हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट इसको भून रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में भूनना है, और ध्यान रखें आप इसको हिलाते रहें ताकि सूजी हमारी जले ना। हमें हल्की सी ब्राउन करनी है, हमें इसको जलाना नहीं है, ना ही हमें इसे डार्क ब्राउन करना है। बस 5 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम में ऐसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी सूजी जले ना। तो जैसे ही सूजी भूनने लगेगी, आपको अच्छी सी खुशबू आने लगेगी सूजी की। दैट मीन्स आपकी जो सूजी है वो भून चुकी है। तो फटाफट हम इसको 5 मिनट बाद ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें सेम बर्तन में नहीं रखना है, वो इसलिए ताकि जो बर्तन है वो गर्म होता है, उससे क्या होगा, सूजी आपकी ज़्यादा पक जाएगी और ज़्यादा फिर जलने के चांसेस रहेंगे, फिर वो कड़वापन सा आ जाएगा। इसलिए आपको इस फटाफट से ट्रांसफ़र कर देना दूसरे बर्तन में। ये देखिए कैसे ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ ट्रांसफ़र। सूजी ने अपना कलर ब्राउन कर लिया है, हमें लाइट ब्राउन करना है, हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, डार्क। ये देखिए जिस बर्तन में मैंने सूजी रखी थी उसी में मैंने सूजी ट्रांसफ़र कर दी है भूनने के बाद, सो दैट आपको डिफरेंस पता चल जाए पहले कैसी थी और बाद में कैसी हुई। तो आप देख सकते हैं हमें सूजी को ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है और लो फ्लेम में भूनना है ताकि हमारी सूजी जले ना। अब उसी पैन में मैं लूँगा थोड़ा सा देसी घी। अब मैं डालूँगा सेंधदाना। अब हम इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं, सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ राई। इसमें हम कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो कड़ी पत्ता का बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है, तो आप उसे ज़रूर डालिएगा। और आप इसमें काजू भी डालिएगा, काजू भी नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उससे बना रहा हूँ। अब मैं डाल रहा हूँ जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देते हैं। अब हम इस पर डालेंगे प्याज। अब प्याज हैं वो थोड़े से भून चुके हैं, मुझे थोड़े क्रंचीनेस वाले पसंद है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और पका सकते हैं ताकि लाइट ब्राउन हो जाए और ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो मैंने जो वेजेस कट करके रखी थी मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए पकने देंगे, सो दैट इसका कच्चापन निकल जाए। ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि इसका न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं चाहिए। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ थोड़ा सा नमक, नमक ज़्यादा नहीं लेना आपको। अब नमक से भी क्या है, सब्जियाँ जल्दी पक जाएंगी और इसका कच्चापन निकल जाएगा। और सब्जियाँ देखो अपना मॉइस्चर छोड़ने लगी हैं, कैसी गीली गीली हो रही है नमक डालते ही। अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ी सी तीखी मिर्च यानी जो लाल मिर्च होती है। मैं इसमें डालूँगा हल्का सा सांभर मसाला, ज़्यादा नहीं डालना है। बाकी मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, अब अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस और वेजेस और घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं डालने जा रहा हूँ कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, ये मुझे थोड़ी अच्छी लगती है तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। वैसे उपमा में नहीं डलती है कसूरी मेथी, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता था क्योंकि मुझे कसूरी मेथी अच्छी लगती है। आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें सूजी ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ जो हमने भून के रखी थी, और गैस को लो फ्लेम में रखना है आपको। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आप धीरे धीरे करके डालेगा, जैसे जैसे सूजी अब्जॉर्ब करती जाएगी पानी, अब उसके अकॉर्डिंग पानी डालते जाइएगा, सो दैट आपको पता चल जाए।
तो देखिए हमारा जो उपमा है ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, बस 1 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। तो देखिए कैसे हमारा उपमा बन के रेडी है। अब इसके अंदर जितनी भी वेजीज आप डाल सकते हैं डालें, ताकि अच्छे से और हेल्दी बन सके। और मैंने सूजी कम ली है, मैंने वेजीज ज़्यादा रखी है जैसे मैंने आपको बताया है। और इसके अंदर आप काजू भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डालिए, कड़ी पत्ता मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैंने गैस को कर दिया है बंद। अब हम करेंगे लेमन स्क्वीज इसमें। वाह बहुत इंटरेस्टिंग सी लग रही है। और अब इसको करेंगे हम गार्निश कोरिएंडर लीव से। और अब हम इसको करते हैं मिक्स, उसके बाद कर देंगे ट्रांसफ़र। ये मैंने कर लिया है ट्रांसफ़र उपमा को। ये देखिए वाह, अब हम इसे करते हैं थोड़ा सा डेकोरेट। ये हो गया हमारा उपमा रेडी वेजेस वाला। लग रहा है ना अमेजिंग, सुपर डिलीशियस, सुपर हेल्दी, अमेजिंग वेट लॉस देगा आपको। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सूजी देखिए मैंने कम ही ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे वेजेस ज़्यादा लेनी थी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, माउथ वाटरिंग एकदम, सुपर डिलीशियस, अमेजिंग वेट लॉस रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी हेल्दी रेसिपी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है तरनदीप सिंह आर्टिस्ट और इंस्टाग्राम हैंडल है तरनदीप सिंह आर्टिस्ट। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वेजी उपमा वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये स्पेशली वेट लॉस वालों के लिए है। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही बेहतरीन रेसिपी के साथ, ऐसी ही वेट लॉस रेसिपी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।